देश के विभाजन का कारण बना था और विभाजन के बाद लगातार मांग उठ रही थी कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। 1946 में जब देश के अंदर इस संबंध में जनादेश की बात सामने आई थी तो इस देश के अखंड भारत के लगभग 100% हिंदुओं ने कहा था, सिखों ने, बौद्धों ने, जैनियों ने, इन सब ने भारत विभाजन का विरोध किया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन 1947 में हुआ। भारत के अंदर 1947 से लेकर के और आज तक मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ी, 7 से 8 गुना आबादी बढ़ी है, किसी को आपत्ति नहीं। अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नागरिक के रूप में भारत के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं सबका स्वागत है। उनकी आबादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विशेष अधिकार दिए गए, हर प्रकार की सुविधाएं दी गई, आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 23% आबादी हिंदुओं की थी 1947 में और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी 1% रह गई है। कहां चले गए, या तो मार दिए गए, या भगा दिए गए, या धर्मांतरित कर दिए गए। यह पाकिस्तान की वास्तविकता है और यह सिलसिला 1947 से प्रारंभ हुआ, लगातार चलता रहा। 1950 में जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का कत्लेआम और उनका धर्मांतरण नहीं रुका तो नेहरू लियाकत समझौता भी होता है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपस में बैठ करके समझौता भी करते हैं और समझौता करने के बाद इस बारे में समझौता होता है कि दोनों देश अपने अपने देशों के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करेंगे। भारत ने समझौते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का पालन नहीं किया। 1955 में नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, भाइयों बहनों, तब 1955 में भारत ने अपना नागरिकता कानून बनाया था और ये नागरिकता कानून समय समय पर संशोधन भी हुआ और इस अंतिम संशोधन के लिए एक समय सीमा दी गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया लेकिन वे वहां से वापस आ नहीं पाए, अगर वे लोग भारत के अंदर आए हैं और निश्चित शर्तों के आधार पर आए हैं, उनका वहां पर प्रताड़ना हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है, उनकी संपत्तियां लूटी गई हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग हरेक मोर्चे पर भारत को विफल करना चाहते थे, आपने देखा होगा सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता था 3 तलाक के नाम पर, मोदी जी ने 3 तलाक को हमेशा के लिए तलाक करवा दिया, समाप्त करवा दिया, तलाक की कुप्रथा समाप्त। लोगों को बुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याय मिल गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का मतलब अब फतवों की दुकान बंद होना है। और इसीलिए जो लोग फतवों के बल पर देश का, देश की व्यवस्था संविधान से न चले बल्कि फतवों से चले, उनको सबसे पहली अड़चन तो उनके लिए थी कि 3 तलाक की कुप्रथा को रोक क्यों लगा दी गई, क्यों कानून बना दिया गया। दूसरा, 1952 में कांग्रेस की एक कुटिलता ने देश के संविधान में धारा 370 शब्द जोड़ दिया, 370
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तभी कहा था कि 370 देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण बनेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात सच साबित हुई, कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। और हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 गई काम से। अब तो पाकिस्तान को इस बात के लाले पड़ रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा। अब वो इस बात की चिंता कर रहा है। आपने देखा होगा नेतृत्व जैसे होता है वैसे ही देश भी होता है। याद करिए जब मुंबई पर पाक प्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, देश के अंदर से मांग हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमला करो, तो ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस की और आरजेडी के लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का इस्तेमाल कर दे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने फरवरी में देखा होगा 2019 में, उस समय जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी घटना घटित हुई, तो भारत के जवान पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को समाप्त करके वापस आ गए और पाकिस्तान की भाषा ही बदल गई। आपने इमरान खान के बयान को पढ़ा होगा, तब इमरान खान क्या चिल्ला रहा था? इमरान खान तब चिल्ला रहा था कि भारत हमला कर देगा हम पर, यह है ताकत देश की, यह भारत की ताकत है, जिस ताकत का एहसास मोदी जी ने देश को भी और दुनिया को कराया है। और दुनिया को किस रूप में? अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चल रहा है, खूब तनाव चल रहा है। ईरान का सर्वोच्च कमांडर अमेरिका ने मार गिराया और जब दोनों देशों के बीच में वार्ता कैसे हो, शांति की पहल प्रारंभ हुई, तो लोगों ने कहा कि अगर भारत मध्यस्थता करेगा तो तभी यह संभव हो पाएगा। इसरे कौन दे रहा भारत को? ये भारत की ताकत का एहसास कोई करा रहा है तो भारत के सुशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं। और जिन लोगों को भारत की ताकत से ये उभरती हुई ताकत भारत अच्छी नहीं लगती, वे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं भारत के खिलाफ, षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के खिलाफ। उनको लगता है कैसे, आखिर कैसे एक एक करके 3 तलाक समाप्त होता है, धारा 370 समाप्त होती है, और 500 वर्षों से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग कैसे प्रशस्त हो गया? याद करिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और एप्लीकेशन इस बात को लगाई थी कि राम जन्मभूमि का फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया फैसला। और मैं बधाई देता हूं आप सबको, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। ये है न्यू इंडिया। और भाइयों बहनों, इस न्यू इंडिया से जिसने अपनी लोकतंत्र की ताकत को, न्यायपालिका की ताकत को और भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोग कहते थे राम मंदिर का फैसला अगर आ जाएगा तो कत्लेआम होगा, हमने कहा मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा, फैसला आएगा और उस फैसले को लागू कराएंगे। और आज मैं आपको आमंत्रित करने के लिए भी आया हूं, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी को अभिनंदन भेजिए,
इन्होंने जो कहा था कि देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का कार्य हमारे दूसरे कार्यकाल में होगा, एक एक करके सभी कदम उठाए जा रहे हैं और ये नागरिकता कानून भी भारत की उस परंपरा का हिस्सा है कि शरण में आए हुए की रक्षा करेंगे, घुसपैठियों को निकाल बाहर करेंगे लेकिन शरणार्थियों की रक्षा करेंगे, उन्हें भारत की नागरिकता देंगे और यही तो भारत सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, जो लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सभी से कहूंगा, पहले ही कहा गया कि यह कानून किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। आप बताइए ना, इस देश के अंदर सरकारें 1947 से चली आ रही हैं। मैं देख रहा था कांग्रेस और आरजेडी के कुछ पोस्टर लगे हुए थे, उसमें लिखा था कि संविधान के खिलाफ नागरिकता का कानून, यानी संविधान की दुहाई हुए हमें देंगे, जिस कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी, जिसने देश के अंदर संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, वह कांग्रेस आज संविधान की दुहाई दे करके देश के अंदर बने एक अच्छे माहौल को, देश के अंदर बने हुए एक अच्छे कानून को किस तरीके से नकारने का कार्य कर रही है। ये कानून को और देश के संविधान को नकारने का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, देश के संविधान का अपमान करने का मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे विरोधियों का अपमान, और कांग्रेस से कार्य लगातार कर रही है, उसके सहयोगी लगातार ये कार्य कर रहे हैं, लगातार एक साजिश के तहत दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों, मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान, आपने मोदी जी का कार्यकाल देखा पिछला 5 साल का, उन्होंने मकान दिया प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या किसी की जाति, किसी का मत और मजहब पूछा? उन्होंने रसोई गैस के कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए, किसी की जाति और किसी का मजहब पूछा? उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया, क्या किसी की जाति और किसी का मजहब पूछा? सौभाग्य योजना में विद्युत के कनेक्शन दिलवाए, क्या किसी की जाति और मजहब पूछा? आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए हर गरीब को प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा देने की व्यवस्था की, क्या किसी की जाति और मजहब पूछा? जब शासन की योजनाओं में किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का भाषा, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं पूछा, बल्कि हर गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, इन सबको योजनाओं का लाभ जब बराबर दिया, तो फिर मोदी जी पर आरोप किस प्रकार का लग रहा है? ये कौन लोग हैं जो लोग देश के वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने देखे जो लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, मैंने महर्षि अरविंद की एक बात सुनी थी, उन्होंने एक बात कही थी। महर्षि अरविंद देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और महर्षि अरविंद ने एक बात कही थी, और वो बात उन्होंने इस रूप में कही थी कि देश के अंदर, भाइयों बहनों, उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात कही थी कि इस युग का सबसे बड़ा पुण्य है देश के हित में कार्य करना, और उन्होंने सबसे बड़ा पाप माना था, उन्होंने सबसे बड़ा पाप माना था देश के साथ गद्दारी। और मुझे लगता है कि देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग किस प्रकार के पाप के भागीदार बनते हैं, ये आपने देखा होगा अनेक अवसरों पर, ये उदाहरण हम सबके सामने देखने को सुनने को मिलते हैं। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने दूंगा भाइयों बहनों, एक उदाहरण आपके सामने पर्याप्त होगा इसको समझने के लिए। जब देश सब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था,
तो भाइयों बहनों, आजादी की लड़ाई के दौरान इस देश के अंदर देश के वंचितों, देश के गरीबों और देश के दलितों की आवाज बनकर के दो आवाज उभरी थी। एक आवाज थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की और दूसरी आवाज थी श्री जोगेंद्रनाथ मंडल जी की। ये दो आवाज थी। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निरंतर भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ साथ वंचितों, गरीबों, दलितों की आवाज बनकर के उभरे थे, लेकिन कांग्रेस उनका अपमान करती थी। 1946 में नेशनल असेंबली के चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से इन्होंने हरवाने की का षड्यंत्र भी किया था और तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए कोलकाता में किसी ने अगर अपने सीट छोड़ी थी तो नाम था श्री जोगेंद्रनाथ मंडल का। लेकिन भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के अंदर दलितों, वंचितों, गरीबों की आवाज थे ही, देश की स्वाधीनता की भी आवाज बने थे। और जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के बहकावे में आकर के पाकिस्तान का समर्थन करने की गलती कर दिए थे, पाकिस्तान का समर्थन की गलती का खामियाजा क्या रहा, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री बनते हैं और जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के शिल्पी भी बनते हैं और आजाद भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित भी करता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में मोदी जी ने विकसित करके देश और दुनिया के वंचितों को एक नया संदेश भी दिया है। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल के साथ क्या हुआ, 1947 में देश के विभाजन का समर्थन करने वाले जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के अंदर दलितों के साथ, हिंदुओं के साथ, बौद्धों के साथ, सिखों के साथ, जैनियों के साथ, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचार और स्वयं के साथ होने वाले भेदभाव से इतने व्यथित हुए कि 1950 में वे इस्तीफा देकर के वापस भारत आ गए और भारत के अंदर शरणार्थी का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। कोलकाता में ही एक शरणार्थी के रूप में गुमनाम मौत उनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता। याद रखना, देश के खिलाफ जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वे एक पाप कर रहे हैं और उस पाप का खामियाजा उनके सामने केवल गुमनाम जीवन के रूप में ही होगा। लेकिन जो लोग आज देश के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संविधान के साथ जुड़ करके भारत को समृद्धशाली बनाने, भारत को शक्तिशाली बनाने, भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की समृद्धि की ओर अग्रसर करने के लिए जो अभियान वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रारंभ हुआ है, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये न केवल हमारा अधिकार है बल्कि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और अपने उस संवैधानिक दायित्व के तहत हम सब इस अभियान के साथ जुड़े। यही आपसे अपील करने के लिए कि हम घर घर जाकर के जिस अभियान का हिस्सा बने, लोगों को बताएं कि जब किसी, ये तो नागरिकता देने का लेने का नहीं कानून है, नागरिकता कानून का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। एनआरसी असम के अंदर लागू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लागू हो रही है, लेकिन कैसे गुमराह करके अनावश्यक माहौल को खराब करने की जो कुछ सी चेष्टाएं हो रही हैं, हम सब उससे अवगत हो, प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवगत कराएं और विकास और समृद्धि की इस मुख्य धारा के साथ जुड़ करके
एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दे सके, यही आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और नागरिकता कानून के समर्थन में इतनी भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।